press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो जैसे आप पूरक कोण को या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को जानते हो कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं तो उनका सम होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे 6 है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो इनके अपन कॉम्प्लीमेंट्री कैसे निकालेंगे। तो एक तो कॉम्प्लीमेंट्री होता है और एक इसका इन्वर्स होता है, तो इन दोनों में कई कन्फ्यूजन हो जाते हैं, इसलिए इस कॉम्प्लीमेंट्री को आपको समझने के लिए एक मैं ट्रिक यूज कर रहा हूँ, तो उसको आप ध्यान से देखिएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनके पूरक कोण कैसे निकालते हैं, जैसे जो छह त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं वो साइन का फुल फॉर्म SINE, ये कोसाइन, टेन का टेंजेंट, कोट का कोटेंजेंट, सेक का सेकेंट, कोसेक का कोसेंट होता है। अब इनका जो कॉम्प्लीमेंट्री कैसे निकालते हैं उसके लिए ये ट्रिक है कि अगर इनके आगे CO लगा हुआ है तो उसे आप हटा दीजिए, अगर इसके आगे CO लगाया हुआ है तो आपको उसको हटाना है, और अगर नहीं लगाया हुआ है तो उसको आपको लगा देना है उसके आगे की यहाँ साइड में। तो साइन के आगे CO लगा हुआ नहीं है तो इसके आगे आप CO लगाओगे तो ये बन गया कोसाइन। कोसाइन का मतलब क्या हो गया, कोसाइन यानी कोस। तो साइन का कोण हो गया कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक कोण हो गया कोस। अब कोसाइन है तो कोसाइन में ये CO लगा हुआ है आगे, तो CO आप रिमूव करोगे तो ये बन गया इसका साइन। तो कोस का जो पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो होता है साइन, और टेन टेंजेंट जो होता है उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री पूरक कोण होता है कोटेंजेंट, क्योंकि इसके आगे CO नहीं है तो आप CO लगाओगे तो ये कोटेंजेंट बन गया, यानी टेन का बन गया कोट। अब है कोटेंजेंट, तो कोटेंजेंट में इसके आगे CO लगाया हुआ है तो इसको आप रिमूव करोगे तो इसका बन गया टेंजेंट, तो टेंजेंट यानी टेन बन गया। सेकेंट में CO लगाया हुआ नहीं है तो इसमें आप लगाओगे आगे तो ये बन गया कोसेंट, तो कोसेंट में ये क्या बन जाएगा कोसेक। आगे कोसेंट में CO लगाया हुआ है तो इसको आप रिमूव करोगे तो CO हटाने पर यह बनेगा सेकेंट, तो सेकेंट यानी सेक। तो ये इनके त्रिकोणमितीय अनुपात है, उनके जो पूरक कोण है या जो कॉम्प्लीमेंट्री है उसको अपन ऐसे निकालेंगे। तो साइन का जो पूरक कोण है कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो कोस, कोस का बन गया साइन, टेन का हो गया कोट, कोट का हो गया टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। तो इन दोनों में तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसमें CO लगाओगे तो कोसेक बन गया और इसका ये क्या हो गया सेक। तो ये दो तो ऐसे याद रख लेना, टेन और कोट एक दूसरे के पूरक भी होते हैं और इनवर्स भी होते हैं, व्युत्क्रम भी होते हैं, तो इन दोनों में इनवर्स और कॉम्प्लीमेंट्री दोनों में कोई फर्क नहीं है। अब साइन और कोस इन दोनों को बस आपको याद रखना है, तो साइन का ये कोस हो जाता है और कोस का साइन। अगर याद नहीं रहता इसे तो इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हो। तो अगर CO है लगाया हुआ तो आपको हटाना है और हटाया हुआ है तो आपको आगे CO लगाना है। पहले एग्जाम्पल नंबर 14 करेंगे, तो इसके जो मेन मेन एग्जाम्पल है वही करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14 के अंदर साइन स्क्वायर 50 प्लस साइन स्क्वायर 40 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब अगर ये एक्सरसाइज 6 से होता तो सिर्फ 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री वैल्यू होती। अब 50 और 40 का अपने को टेबल से वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इसमें ये पूर्व कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात है, इस एक्सरसाइज से इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ साइन और दूसरी जगह भी साइन ही है, तो यहाँ ये स्क्वायर में आ रहा है तो स्क्वायर वाली जो आइडेंटिटीज है साइन और कोस में वो वाली अपने को यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो वो अप्लाई करने के लिए एक को तो साइन होना पड़ेगा, दूसरे को कोस होना चाहिए। तो यहाँ इन दोनों में से आप किसी एक को कोस में कन्वर्ट करना पड़ रहा है। अगर आपने दोनों को कर लिया तो फिर दोनों कोस हो जाएंगे, तो ये क्वेश्चन एज इट इज ही पड़ा रहेगा। तो आपको इन दोनों में से एक को कोस बनाना है, तो कोस बनाने के लिए ये जैसे साइन थीटा है तो यहाँ थीटा 50 डिग्री है, तो यहाँ पे देखिए ये जो साइन थीटा है तो साइन थीटा की जगह जो वैल्यू होती है वही कोस 90 माइनस थीटा में आती है। तो साइन थीटा की जगह लिख सकते हैं कोस 90 माइनस थीटा, तो साइन की जगह लिख दिया कोस और 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह है 50 डिग्री।
और ये इसके ऊपर स्क्वेयर है तो ये इसका होल स्क्वेयर हो गया। प्लस अब इसको चेंज कर लिया तो 40 वाले को चेंज नहीं करेंगे, इसको एज इट इज साइन स्क्वेयर 40 डिग्री। अब ये कोस 90 माइनस 50 करेंगे तो ये हो गया 40 डिग्री, और ये स्क्वेयर है तो ये हो गया कोस स्क्वेयर 40 प्लस साइन स्क्वेयर 40 डिग्री। अब ये आइडेंटिटीज बन गई है, कौन सी आइडेंटिटीज, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1, दोनों थीटा है वो सेम होने चाहिए, तो यहाँ दोनों सेम है 40 डिग्री, तो इसका आंसर कितना हो गया 1 हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता ही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 16, sec 50 डिग्री मल्टीप्लाई साइन 40 डिग्री प्लस कोस 40 डिग्री मल्टीप्लाई कोसेक 50 डिग्री। ये बोर्ड 2018 में एक नंबर का पूछा हुआ है, सिर्फ उसमें ये इतना पार्ट पूछा था कि sec 50 डिग्री मल्टीप्लाई साइन 40 का वैल्यू फाइंड आउट करो। तो यहाँ पे ये दो है इनका प्लस हो रहा है, देखो sec है उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, sec का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है, कोसेक होता है। तो यहाँ पे आप इस sec को अगर चेंज करते हो तो ये sec है वो कोसेक में चेंज होता है, तो कोसेक और साइन फिर एक दूसरे के इन्वर्स हो जाएंगे, तो वहां से अपने को आंसर मिल जाएगा कोस और कोसेक है। आप अगर यहाँ कोस को चेंज करते हो तो कोस का जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो साइन होगा, तो साइन और कोसेक एक दूसरे के इन्वर्स हो जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो आपको इन दोनों में से किसी एक को भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर भी इन दोनों में से किसी एक को अपने कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज कर सकते हो। तो जैसे यहाँ sec थीटा ही, थीटा की जगह 50 डिग्री है, तो sec थीटा वाला जो है sec थीटा को फिर क्या लिखेंगे, cosec 90 माइनस थीटा, तो sec की जगह लिख दिया cosec और 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह है 50 डिग्री। अब इसको चेंज कर दिया तो फिर साइन को नहीं करेंगे, इन दोनों में से एक को चेंज करेंगे, आगे मल्टीप्लाई साइन 40 का साइन 40 डिग्री प्लस। अब इन दोनों में से भी एक को चेंज करना है, अगर आप यहाँ पे कोस को चेंज कर रहे हो तो कोस थीटा है यहाँ पे 40 डिग्री, तो कोस थीटा जो होता है वो होता है साइन 90 माइनस थीटा, तो इस कोस थीटा को लिख लेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह कितना है 40 डिग्री है, और आगे मल्टीप्लाई में कोस 50 डिग्री कोसेक 50 डिग्री को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि जिन दोनों का सम 90 है यहाँ पे उनमें से एक को अपने को चेंज करना है। अब कोसेक 90 माइनस थीटा है तो इसको वापस सेक थीटा नहीं लिखना है, यहाँ पे 90 में से जो 50 डिग्री है उसको माइनस करके लिखना है, तो कोसेक 90 माइनस 50 हो जाएगा 40 डिग्री मल्टीप्लाई साइन 40 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस 40 है तो उसको वापस कोस 40 नहीं लिखना है, साइन 90 माइनस 40 है तो सब्ट्रैक्ट करोगे इसको, तो साइन 90 माइनस 40 कितना हो जाएगा 50 डिग्री मल्टीप्लाई कोसेक 50 डिग्री। अब आप ये जानते हो कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा होता है वो 1 होता है, तो आप चाहो तो इन दोनों को इसको इन्वर्स कर सकते हो, तो कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा 1 हो गया, यहाँ थीटा दोनों सेम होने चाहिए, तो यहाँ थीटा कितने 40 डिग्री, तो ये 1 प्लस ये भी दोनों साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा, तो ये भी कितना हो गया 1, तो 1 और 1 में भी हो गया 2। एग्जाम में सिर्फ यही आया था 2018 में, तो इसका आंसर इसका आप ये लिखते इतना और फिर ये लिखते और फिर इसका आंसर कितना आता, सिर्फ 1 आंसर आता, तो 2018 में पूछा हुआ है ये, इसलिए आप ये ध्यान रखना है कि इन दोनों में से भी कोई एक पार्ट पूछ सकता है। अब एग्जांपल नंबर 19, ये पूछे थे 3 नंबर में पूछ सकते हैं, एक में नहीं पूछे, अच्छा एग्जांपल है ये। एग्जांपल नंबर 19 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, और ये इक्वेशन दे रखी है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, तो इसके अंदर cosec 90 माइनस थीटा, तो सबसे पहले तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज कर लेंगे इसको, cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है sec थीटा, तो इसकी जगह क्या लिख लेंगे सॉल्यूशन के अंदर sec और थीटा, आगे प्लस x, x के बाद में cos थीटा मल्टीप्लाई cot 90 माइनस थीटा है, तो cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा होता है, तो इसकी जगह लिख देंगे tan थीटा इज इक्वल टू में sin 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा। अब यहाँ पे जो sec और tan है तो इनको साइन और कोस में चेंज कर लेंगे, तो sec को लिख दिया 1 अपॉन कोस थीटा प्लस x कोस थीटा मल्टीप्लाई में ये tan, तो tan को लिख दिया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू में कोस थीटा। अब देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो कोस थीटा से कोस थीटा है वो कैंसिल हो गया। अब ये यहाँ पे प्लस में पड़ा है तो इसको अपन राइट साइड में लेकर जाएंगे तो ये सब्ट्रैक्ट में चला जाएगा कोस थीटा के, तो यहाँ पे जो रिमेनिंग पार्ट है वो एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस,
ये राइट साइड में ट्रांसपोर्टेशन करते हैं इसका, तो 1/cos θ हो गया। अब ये दोनों एलसीएम से सोल्व करेंगे अपन, तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो 1 और cos θ का cos थीटा आएगा। 1 का इसमें डिवाइड करोगे cos, cos का cos से मल्टीप्लाई करोगे तो cos स्क्वायर थीटा माइनस cos का cos में डिवाइड करेंगे 1, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1, और दे इक्वल टू में है x sin थीटा। अब देखिए आप ये आइडेंटिटीज जानते हो कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है वो sin स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन यहां पे cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 दे रखा है, तो आपको वो आइडेंटिटीज बनाने के लिए इससे माइनस कॉमन लेंगे। तो माइनस कॉमन लेने के बाद जो नेगेटिव है 1 वो तो हो गया पॉजिटिव 1, माइनस जो cos स्क्वायर थीटा पॉजिटिव था वो हो जाएगा नेगेटिव, तो cos स्क्वायर थीटा और अपॉन में cos थीटा। अब x sin थीटा इज इक्वल टू में माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos थीटा। अपने को x की वैल्यू निकालनी है, तो ये x के मल्टीप्लाई में है तो इधर अपॉन में जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई माइनस का sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos थीटा। जब ये इसके डिवाइड में आएगा तो इसके साथ जो पहले से डिनोमिनेटर है उसके मल्टीप्लाई में आके लग जाएगा, तो अपॉन में हो जाएगा sin थीटा। अब इस sin से इसके एक पावर कैंसिल हो गई, अब जो रिमेनिंग पार्ट है वो है माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, माइनस sin अपॉन cos होता है tan थीटा, तो ये इसका आंसर आ गया माइनस का tan थीटा। अच्छा एग्जांपल है, ये 3 नंबर में पूछ सकता है, एग्जांपल नंबर 19 है एक्सरसाइज 7.2 में, क्वेश्चन 15 16 और 17 करेंगे, तीनों अच्छे क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन इस टाइप का 2019 में पूछा गया एग्जांपल्स में वो, तो यहां पे sin 3 थीटा इज इक्वल टू cos थीटा माइनस 6 है, तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है थीटा की, वेयर 3 थीटा एंड थीटा माइनस 6 आर एक्यूटेंगल, एक्यूटेंगल यानी ये न्यून कोण है, तो 90 डिग्री से अगर 3 का मल्टीप्लाई थीटा से करो वो भी 90 से लेस देना आएगा, और थीटा माइनस 6 करो तो वो भी 90 से लेस देना आएगा। तो आपको यहाँ पे थीटा की वैल्यू बतानी है, थीटा की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या पुट करो जिससे ये दोनों इक्वल हो, और थीटा जो है 3 थीटा और थीटा माइनस 6 है वो एक्यूट एंगल न्यून कोण हो। तो इन दोनों में से आपको क्या करना है कि आप इन दोनों में से किसी एक को चेंज करोगे, ये दोनों एग्जाम में जब ये आते हैं इक्वल में तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री दिए हुए आएंगे। जैसे आप जानते हो टेबल से कि साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो cos 60 के इक्वल होती है, क्योंकि साइन का जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है cos होता है, और 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री होता है एंगल में 60 होता है। tan आप 0 डिग्री देख लो, tan 0 डिग्री है वो वैल्यू इक्वल होती है cot 90 डिग्री के, क्योंकि tan का कॉम्प्लीमेंट्री cot होता है और 0 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो 90 डिग्री होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो इन दोनों में से एक को चेंज करना है। तो एक को चेंज करने के लिए इजी कौन सा रहेगा, देखो इसको चेंज करोगे तो इसमें आप माइनस वाले साइन की गलती करोगे करोगे इसको चेंज करोगे तो आपको वो एंगल चेंज करना है जो सिर्फ सिंगल एंगल हो, मल्टीप्लाई वाला हो, तो 3 थीटा को चेंज करेंगे। तो देखो ये साइन थीटा की तरह वर्क करेगा, तो साइन थीटा क्या होता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा ये होता है, तो ये आइडेंटिटीज अपने यहाँ पे लगाएंगे। तो साइन थीटा की जगह यहाँ 3 थीटा है, तो इसको क्या लिख देंगे cos 90 डिग्री माइनस 3 थीटा है, थीटा की जगह आ जाएगा ये 3 थीटा इज इक्वल टू में आगे है cos थीटा माइनस 6 डिग्री। अब देखो cos से cos कैंसिल हो गया, ये कैंसिल ऐसे होता है cos इधर जाके cos इनवर्स बन जाएगा और cos इनवर्स cos को कैंसिल कर देगा। तो अब ये cos से cos कैंसिल हो गया, तो आपको कैंसिल नहीं करना है, आगे डायरेक्ट लिख देना है, ये क्रॉस करते हुए नहीं दिखाना है। अब जो भी वैल्यू बच गई वो लिख दोगे आप 90 माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस 6। अब ये सिंपल इक्वेशन की तरह हो गई है, तो इसमें आप थीटा वाली वैल्यू को पास पास रख लोगे, और जो कांस्टेंट वैल्यू है 90 और 6 इसको आप पास पास रख लोगे। तो आप अगर 3 थीटा को पॉजिटिव बनाना चाहते हो तो उस साइड लेके जाओ, अगर नेगेटिव में कोई दिक्कत नहीं आ रही आपको तो 3 थीटा यहाँ पे माइनस है, ये थीटा इस साइड आएगा तो माइनस का थीटा हो गया इज इक्वल टू में, ये इस साइड 6 माइनस का है और ये 90 इधर जाएगा तो माइनस का 90 हो गया, माइनस 3 और माइनस थीटा हो जाएगा माइनस 4 थीटा इज इक्वल टू माइनस का 96। तो थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 96 अपॉन में 4, और की टेबल से 96 को डिवाइड करोगे तो आ जाएगा ये 24।
तो ये 24 डिग्री आ गया, तो ये थीटा की वैल्यू 24 आ गया। अब आप इसमें चेक करते हो कि 3 थीटा है वो एक्यूट एंगल होना चाहिए, तो 3 इंटू 24 करोगे तो ये जो वैल्यू है वो एक्यूट एंगल आएगा, क्योंकि 90 से लेस देन होगा। और थीटा -6 करोगे तो 24 -6 करके आप चेक करोगे तो ये 18 बचेगा, वो भी एक्यूट एंगल आएगा, तो ये थीटा की वैल्यू अपनी सही है। तो इस तरह से आपको थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे इसी तरह sec 5 थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा -36 है, तो इसमें से भी आप सिर्फ sec को चेंज कर दीजिएगा, sec थीटा है ये, क्योंकि इसको चेंज करोगे तो फिर नेगेटिव साइन में आप मिस्टेक करोगे। तो ये sec थीटा की तरह काम करेगा, sec थीटा इज इक्वल टू, देखो sec थीटा क्या होता है, cosec 90 माइनस थीटा, तो ये आइडेंटिटी लगाओगे आप cosec 90 माइनस थीटा, तो इस आइडेंटिटी से आप इसको हल करोगे। तो sec 5 थीटा इसको क्या लिखोगे, cosec 90 डिग्री माइनस 5 थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा माइनस 36। अब बहुत साइड cosec है तो ये दोनों कैंसिल हो गए हैं, अब जो बचा हुआ पार्ट है वो है 90 डिग्री माइनस 5 थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस 36 डिग्री। अब अगर आप 5 थीटा को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो इसको इस साइड भेज दीजिए और 36 को इधर ले आइए, तो ये 90 डिग्री प्लस 36 डिग्री इज इक्वल टू थीटा प्लस ये 5 थीटा इधर जाएगा तो ये प्लस का हो गया। अब 5 और 1 थीटा ऐड करोगे तो 6 थीटा इज इक्वल टू 90 में 36 ऐड करोगे तो ये 126। अब थीटा की वैल्यू निकालोगे तो 126 अपॉन में 6, तो 6 की टेबल से डिवाइड करोगे तो ये 2 टाइम्स और 1 टाइम्स तो 21 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 19, अच्छा क्वेश्चन है, 3 नंबर का पूछ सकता है। तो इसमें कह रहा है कि एबीसी आर द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, देन प्रूव दैट एबीसी उत्तरभुज के अंतः कोण है, तो आपको ये सिद्ध करना है tan b + c / 2 = cot a / 2। तो ये चेंज करके भी दे सकता है, यहाँ पे tan की जगह लिख सकता है sin b + c / 2 = cos a / 2, या यहाँ पे लिख सकता है sin a + b / 2 = cos c / 2। तो यहाँ पे जो दोनों साइड जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देगा वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री देगा, साइन कोस दे सकता है, टेन कोट दे रखा है, या सेक और कोसेक देगा, तो इस तरह से चेंज करके देगा, तो आपको इसी पैटर्न से उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें अपने को कैसे करना है सॉल्यूशन के अंदर, इसने कहा है कि ए बी सी वो इंटीरियर एंगल है, अंतः कोण है, तो आप जानते हो कि त्रिभुज के जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री, तो आप लिख दोगे द सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, त्रिभुज के जो अंतः कोण है उनका जो योग है वो 180 डिग्री होता है, तो इसलिए ए प्लस बी प्लस सी इनका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। अब इस जो आपको रिजल्ट पूछ रहा है इसको देखते हुए अपने को इसमें वर्क करना है, तो देखिए यहाँ पे बी प्लस सी को वो रख रहा है, ए को राइट साइड में भेज रहा है, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, बी प्लस सी को आप यहाँ रखो और ए को राइट साइड में भेज दो, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ए हो गया। अब देखिए यहाँ बी प्लस सी के अपॉन में 2 और आ रहा है, तो आप क्या करो इसके अपॉन में आपको 2 लगाना है, यानी 2 से डिवाइड कर रहे हो आप लेफ्ट साइड को, तो आपको राइट साइड को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइडेड बाई 2 बोथ साइड दोनों तरफ 2 का भाग देने पे, तो इसको लिखोगे आप बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए अपॉन 2। अब इसको आप ए माइनस बी अपॉन सी का फॉर्म है, तो इसको इस तरह से लिख लोगे 180 अपॉन 2 माइनस ए अपॉन 2, तो 180 अपॉन 2 क्या होता है 90 डिग्री माइनस ए अपॉन 2। अब ये हो गया बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए अपॉन 2 आ गया, इतना बार तो अपन ने कर लिया। अब अपने को इस एंगल का क्या लेना है, टेन लेना है, तो आपको यहाँ पे टेन इस साइड आप अगर टेन लगाते हो तो आपको टेन इधर वाले एंगल का भी लेना पड़ेगा, वैसे भी पिछले वाले क्वेश्चन में अपन दोनों साइड से साइन या साइन उनको अपन कैंसिल कर रहे थे, या कोसेक कोसेक आया तो उनको अपन काट रहे थे, तो इसी तरह आप यहाँ पे बोथ साइड जो एंगल है उसका क्या लेना है, टेन लें या कोट लें, तो टेन लेंगे क्योंकि इस एंगल में आगे चेंज नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ एक ही एंगल दिया हुआ है, लेकिन यहाँ ये 90 माइनस थीटा वाली प्रॉपर्टी लगेगी, तो यहाँ बोथ जो एंगल है उसका आपको क्या लेना पड़ेगा, 10 लेना पड़ेगा। अब कई ऐसे लिख लेते हैं दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करने पे, तो अपन मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, जो दोनों एंगल है उस एंगल का अपन 10 ले रहे हैं, तो
आप लिखोगे टैग 10 बोथ एंगल, दोनों तरफ के जो कोण है उसका 10 लेने पे, तो आप लिख दोगे 10 बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 10 90 डिग्री माइनस ए अपॉन 2। अब देखिए ये तो रिजल्ट में आ रहा है, अब ये 10 90 माइनस थीटा वाली प्रॉपर्टी लिख जाएगी, तो 90 माइनस थीटा की जगह कौन है यहाँ ए अपॉन 2 है, तो ये हो गया 10 का, तो हो गया कोट, थीटा की जगह कौन है ए अपॉन 2, और इधर है 10 बी प्लस सी अपॉन 2, तो हैंस प्रूव। अच्छा क्वेश्चन है, 3 नंबर में पूछा जा सकता है।